राष्ट्रीय एकता दिवस। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में, जो कि हर वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि नेशनल यूनिटी डे जो है वह 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। यह कब से मनाया जाता है, साथ साथ यह किनकी याद में मनाया जाता है, उन सारी चीज़ों को भी देखेंगे और साथ साथ इससे जुड़ी और कुछ जानकारी होगी उनको भी हम लोग देखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट डे है, तो इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में क्या जानकारी है। तो हर वर्ष 21 अक्टूबर को लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और उनके योगदान को याद करने के लिए पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत के जो लोह पुरुष रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इनकी जो है जन्म जयंती को याद करने और साथ साथ इनका जो योगदान क्या रहा, स्वतंत्र संग्राम में क्या योगदान रहा, साथ साथ में ये जो है एकता दिवस जो है यानी कि एकता को लेकर के इनका जो क्या योगदान रहा, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए उनको याद करने के लिए ही हर साल जो है भारत में नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये डेट आप लोगों को याद रखना है कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वह 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की शुरुआत सन 2014 से हुई है। तो इसको जो मनाने के स्टार्ट किया गया वह सन 2014 से हुआ है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि इसको जो स्टार्ट किया गया है वह 2014 से स्टार्ट किया गया है और तब से लेकर के हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कि देश की जो एकता है साथ साथ में अखंडता है और आंतरिक जो सुरक्षा है इसके प्रति संकल्प लिया जाता है और साथ ही साथ में दोस्तों जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि दूरदृष्टि इनका जो किया था दूरदृष्टता जो है उन सारी चीज़ों को भी याद करने के लिए ही यह दिवस को मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है भारत के लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो दूरदृष्टता है उसको याद किया जाता है और साथ साथ में देश की जो है एकता को और अखंडता को जो है वह बनाए रखने के लिए ही यह एकता दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात हो ही रहा है तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी को भी देख लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी अधिवक्ता और राजनेता थे। तो ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी अधिवक्ता और राजनेता थे, साथ साथ इन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किए। तो ये तो आप लोग बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि देश के जो पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। स्वतंत्र भारत में देशी रियासतों के एकीकरण की महान चुनौती को सफलतापूर्वक हल किए। तो ये जो है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने जो है स्वतंत्र भारत में जो देशी रियासत है उनका एकीकरण करने का जो एक चुनौती था उसको भी इन्होंने सफलतापूर्वक हल किए थे, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो जो देशी रियासत थे जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, तो ये लोग जो थे, ये देशी रियासत जो थे वे लोग भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। तो इन जो तीनों हैं, ये तीनों रियासत हैं, इनको भी भारत में शामिल करने के लिए जो चुनौती था उसको ये सफलतापूर्वक हल किए और बाद में ये जो तीनों रियासत थे वे भारत में शामिल हो गए। तो इनको एकीकृत करके स्वतंत्र भारत बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। तो इसी कारण से स्वतंत्र भारत में देशी रियासतों के एकीकरण की महान चुनौती को इन्होंने सफलतापूर्वक हल किए थे। सरदार पटेल का संबंध खेड़ा आंदोलन और बारदोली सत्याग्रह से भी रहा। दोस्तों यहाँ पर खेड़ा आंदोलन और बारदोली सत्याग्रह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जाना होगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है संबंध खेड़ा आंदोलन और बारदोली सत्याग्रह से भी रहा था, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर खेड़ा आंदोलन के बारे में थोड़ी सी जानकारी को देख लेते हैं। तो खेड़ा आंदोलन क्या है, तो खेड़ा आंदोलन जो था दोस्तों वह गुजरात राज्य में हुआ था और यहाँ पर जो है अंग्रेज लोग जो थे वे कर को बढ़ा दिए थे और उस समय जो था वह भयंकर क्या पड़ा था, तो भयंकर सूखा पड़ा था और सूखा पड़ा था उस समय अंग्रेज लोग जो है वह टैक्स में वृद्धि कर दिए थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयास से फिर यह जो है टैक्स वह कम किया गया था, तो ये भी उनका एक सफलतापूर्वक किया गया आंदोलन रहा था। तो इस प्रकार से खेड़ा आंदोलन को इन्होंने संचालित किया था। साथ साथ में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह के बारे में, तो बारदोली सत्याग्रह क्या था, तो ये बारदोली जो जगह है वह भी गुजरात राज्य में ही हुआ था, गुजरात राज्य में एक जगह है। और यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर लगभग 30% जो है वह लगान की वृद्धि कर दिए थे अंग्रेज लोग, 30% जो कि बहुत ज़्यादा था और वहाँ के जो किसान थे वे लोग बहुत परेशान थे, इसको चुकाने में इनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो 30% जो था वह बहुत ज़्यादा था, लेकिन बाद में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ पर सत्याग्रह करने के बाद में इसका जो है लगभग 6% के पास में जो लगान था उसको वापस लाए। तो यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि लगान को ये 6% तक
वापस लाए, जबकि 30% तक बढ़ाया गया था। तो ये भी सत्याग्रह जो था उसको भी सफलतापूर्वक इन्होंने अंग्रेजों से जीत लिया था, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो है बारदोली की जो महिला लोग जो थी वे लोग ही सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि जो बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ की महिलाएं या तो फिर कौन सा सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और कहाँ की महिलाएं थी, तो वे लोग जो थी वे थी बारदोली की, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर और थोड़ी जानकारी को देख लेते हैं, या फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि यह भी सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है, तो इसको भी देखते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्मारक है जो गुजरात के साधुबेट सरदार सरोवर बांध के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्मारक है और यह गुजरात राज्य की साधुबेट नामक जगह पर है जो कि सरदार सरोवर बांध के पास में ही है यह साधुबेट और यह नर्मदा नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्मारक है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर यानी कि 597 फीट है। तो ये जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसकी जो हाइट है वह 182 मीटर है, इसको फीट में कहेंगे तो 597 फीट है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि इस मूर्ति की जो मूर्तिकार है वह राम वंजी सुतार है, तो ये भी आप याद रखेंगे। जो मूर्ति है यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है उनको जो मूर्तिकार जो बनाया है वो उनका नाम है राम वंजी सुतार, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मूर्ति का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्मदिवस पर किया गया। तो यहाँ पे जो है 21 अक्टूबर 2018 को उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस था, तो उसी दिन भारत के प्रधानमंत्री जो हैं ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उनका उद्घाटन किए थे, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लेंगे। तो हम लोगों को ध्यान जानकारी को ध्यान रखना है कि 31 अक्टूबर को जो है वह एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जयंती के रूप में मनाते हैं। अब दोस्तों हम लोगों को थोड़ी जानकारी को देखते हैं 31 अक्टूबर को ही क्या होता है, तो 31 अक्टूबर को जो होता है वो भी देखते हैं कि 31 अक्टूबर को और एक डेट मनाया जाता है जिसको कहते हैं राष्ट्रीय संकल्प दिवस। तो राष्ट्रीय संकल्प दिवस भी 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। भारतीय राजनीति के एक मजबूत साहसी नेता इंदिरा गांधी के योगदान और उनकी पुण्यतिथि को याद करने के लिए राष्ट्रीय संकल्प दिवस मनाया जाता है। तो ये जो है इंदिरा गांधी का योगदान और उनकी जो पुण्यतिथि है इसको याद करने के लिए राष्ट्रीय संकल्प दिवस मनाया जाता है, तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। यहाँ पे जो इनकी पुण्यतिथि को लेकर के यह डेट मनाया जाता है यानी कि इनकी जो है मृत्यु को लेकर के जो है वो रिलेटेड है राष्ट्रीय संकल्प दिवस, लेकिन जो एकता दिवस है वह जन्म से संबंधित है यानी कि जन्म जयंती से संबंधित है, तो ये थोड़ी सी जानकारी को याद रखेंगे। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही, तो ये अभी तक की जो है एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं और सबसे पहली बार भी जो महिला बनी थी वह भी इंदिरा गांधी ही रही थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे कि भारत की प्रथम प्रधानमंत्री जो थी महिला वो कौन थी, तो वह थी इंदिरा गांधी, ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। और साथ साथ में एकमात्र महिला प्रधानमंत्री जो भारत की अभी तक की हैं वह है इंदिरा गांधी, तो यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय संकल्प दिवस भी मनाया जाता है, साथ ही साथ में एकता दिवस भी मनाया जाता है, तो इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। और इसको जो है मनाने का जो शुरुआत हुआ था वो 2014 से हुआ था और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर या फिर उनके योगदान जो है और उनकी जन्म जयंती को याद करने के लिए ही यह नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है, तो आप लोग जो है इस डेट को याद रखेंगे।